हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने बोला कि जब आपके माता पिता दिल्ली आए, कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद की, दिल्ली के दरवाजे आपके लिए खोले, उस समय आपका जब रेगुलराइजेशन हुआ था, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं, एकदम बिना रजिस्ट्रेशन फी के आपको अपना हक मिला। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमने आपको हक दिया। अगर हक दिया, इतना डिमांड है, तो फिर सिर्फ 20 लोगों को रजिस्ट्रेशन, 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, आपको पता लगेगा कि लाखों रुपए की रजिस्ट्रेशन फी लगेगी। आपको यह भी पता लगेगा कि आप में से 40% लोगों को अपना हक मिलने ही मिलेगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते मैंने आपको हक दिया, सच्चाई है आपको हक नहीं मिला है। आप ये अपने आप से ये सवाल पूछिए, नरेंद्र मोदी जी ने हक दिया तो चुनाव से कुछ ही महीने पहले क्यों दिया? 5 साल से उनकी सरकार है, कुछ ही दिन पहले क्यों दिया? केजरीवाल जी ने फ्री में बिजली दी, कुछ ही महीने पहले, चुनाव से पहले क्यों दिया? क्योंकि चुनाव के एकदम बाद आपको सच्चाई दिखाई देगी। ये कांग्रेस पार्टी का तरीका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दिल्ली को खड़ा करना है तो आप ही लोग कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली की जनता ने किया। हमने आपकी यहां मदद क्यों की, आप इस बात को अच्छी तरह समझिए। हमने, आप सोचोगे, आप अपने आप से सवाल पूछो, हमने जवाब यहां आए, जब आपके माता पिता आए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट पाकिस्तान से आए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पर DNXTV सर्च करें। ट्विटर से जुड़े रहने के लिए ट्विटर पर DNXTV सर्च करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dainandini.in पर लॉगिन करें।